हेलो दोस्तों, चलो स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले लेक्चर में भी वो डिस्कस किया था, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो सोल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन दिसंबर 2018 नेट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आपको पहले ट्राई करनी है, बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे। चलो देखिए, आप सब लोग पहले आपकी बुक में क्वेश्चन लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले। अब मैं इसको जूम इन कर देता हूं, आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। आपको क्या दिया हुआ है भैया? एक तो आईआर के डेटा दिए हुए हैं, फिर एनएमआर के डेटा दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है। तो पहले तो देखो तो आईआर के डेटा कितने हैं, 1720। आईआर के डेटा है कितने, 1720 से लेकर 1760 तक। कहां से कहां भैया? 1720 से, यदि 1760 किसका होता है भैया? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का पीक होता है। किसका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का पीक होता है। इसके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, यदि एस्टर में यदि रेजोनेंस हो रहा है तो कार्बोन एल्की फ्रीक्वेंसी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल एस्टर का 1740 से 1760 के बीच में आता है, लेकिन यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आया, यानी कि यदि रेजोनेंस हो रहा है, तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 1720 दिया हुआ है, इसका मतलब आपका जो एस्टर है वो रेजोनेंस करेगा, आपका एस्टर में रेजोनेंस होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो देखो ऑप्शन, देखो निगलेक्ट करना सीख जाओ, देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है भैया? ऑक्सीजन है। अब देखो ये सिंपल कीटोन है, क्या है? कीटोन, और वो भी रेजोनेटिंग कीटोन है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 1700 आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 1700 से कम आएगी, लेकिन यहाँ हमें कितनी दी हुई है? 1720 दी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे ऑप्शन में नहीं आ सकता, ये हमारे ऑप्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि यदि ये होता तो उसकी आईआर के डेटा 1700 से कम दिए होते, यहाँ तो ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, निकल गया। चलो अब तो तीन ही देखना बाकी रह गए हैं, तीनों में देखो चलो ये तो नहीं आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो रेजोनेंस किस तरह से होता है, मैंने आपको सिखाया था ना, कि यदि कोई ऐसा कंपाउंड आए, एक एस्टर ऐसा है, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड इधर है, दूसरी प्रोबेबिलिटी कौन सी है समझना भैया? आप एक बात अच्छे से जानते हैं ना, कि बॉन्ड ऑर्डर सी ओ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो तो यहाँ पे ये रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। यहाँ पे यदि रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, रेजोनेंस होने के बाद क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, जो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है भैया? यहाँ पे ऐसे ही लिखो, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो वेव फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में डिक्रीज हो जाती है, वेव फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर ही है, क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर ही है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन कैसे रेजोनेंस होगा? तो कि भैया ऐसे, यहाँ ऑक्सीजन की लोन पेयर है ना, ये इस तरफ धक्का देगी, यानी कि पुश करेगी, और ये बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाएगा। तो कैसा होगा, ध्यान से देखना भैया, ये सब कुछ वैसा का वैसा, इधर यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। इन्होंने अपनी लोन पे डोनेट कर दी, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया,
और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड रेजोनेंस करके इधर चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो ऑक्सीजन ने अपनी लोन पे डोनेट की तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो क्या करेगा, ये बॉन्ड की ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कार्बन जो है हमारा कार्बन ये पार्शियली डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है ना, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर धक्का देगी इसको, यानी कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले तो 2 था लेकिन ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर ने फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया। यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किएगी ये लोन पेयर तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भाई बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, तो वेव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ आई बात, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा रेजोनेंस है जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। यदि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो साथ ही साथ उसके वेव फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस यहाँ ऐसा है कि बॉन्ड ऑर्डर CO का इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। तो ये बात थी। अब समझो यदि ऐसा आया ना कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर यदि डिक्रीज हो रहा है तो इसकी एस्टर की वेव फ्रीक्वेंसी 1720 से लेकर 1740 तक आ सकती है, एस्टर की फ्रीक्वेंसी 1720 से 1740 तक आ सकती है। और यदि यहाँ ऐसा हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो एस्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी पता है आपको, 1740 से 1780 तक, 1780 तक इसकी वेव फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना, अब कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना, आइए क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, देखो IR के डेटा दिए हुए हैं 1720, कितने हैं भैया 1720 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो रेजोनेंस होगा वो आपके कंपाउंड में रेजोनेंस तो होगा ही, तो ही आएगी। सिंपल एस्टर होगा तो 1740 से 1760 तक आती है। अब आते हैं हम इन, चलो IR से हमने इतना तो सोल्व कर लिया कि एस्टर आएगा वो भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड वाला एस्टर होगा। अब हम जाते हैं NMR के, NMR भी हमें दिए हुए हैं, NMR के टोटल सिग्नल हमें कितने हैं भाई, 5 NMR के सिग्नल दिए हुए हैं। कितने सिग्नल है, 5 NMR के सिग्नल है, आइए देखते हैं। पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ 6.2 से, 6.21H सिंगलेट। अब जानते हैं ना अल्किन है, अल्किन की वैल्यू कितनी आती है, 5.9 से अब 5.9 के अराउंड आती है अल्किन की वैल्यू, अल्किन के प्रोटॉन की वैल्यू। तो यहाँ पे सभी पे अल्किन पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है, ये तीनों जगह 2-2 प्रोटॉन हमें दिए हुए हैं। अब उसमें भी क्या देखना है, ये 2 प्रोटॉन है ना, तो ये तो हमें 1H सिंगलेट की दी हुई है। देखो अभी यहाँ 1H सिंगलेट, दोनों प्रोटॉन अलग अलग दिए हुए हैं और स्प्लिटिंग किसी का नहीं बताया उन्होंने, स्प्लिटिंग ब्रॉड सिग्नल दिखाया है उन्होंने, ब्रॉड सिग्नल दिखाया है 1H सिंगलेट। तो ये भी 1H सिंगलेट हो सकता है और ये भी 1H सिंगलेट हो सकता है, यहाँ सभी ये 6 के 6 तीनों के तीनों ऑप्शन में देखो 1H सिंगलेट हो सकता है। चलो अभी हमें इतना पता चल गया कि ये सिग्नल किसका है भैया, ये सिग्नल अल्किन का है, किसका है, अल्किन के प्रोटॉन का है। 5.5 1H सिंगलेट, देखो थोड़ा थोड़े स्टेप, एक एक स्टेप, 1/1 स्टेप जाओगे ना तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि चलो ये टिक कर दिए, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा सोल्व करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाते जाओ, थोड़ी थोड़ा कन्फर्मेशन करते जाओ, बाद में सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट आपने आंसर टिक लगाने की कोशिश की ना भैया तो गलत हो सकता है। देखो अभी ऐसे ही जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तब ऐसे सिंपल 1/1 स्टेप जाना है। पहले तो डिसाइड कर लो कि ये पिक कौन सा हो सकता है,
यह 6.2 वाला पिक अल्किन का है, ये हमने डिसाइड कर लिया। कौन से वाले प्रोटॉन है वो अभी नहीं जानना, ये वाले प्रोटॉन या राइट हैंड साइड वाले प्रोटॉन वो अभी हमें डिसाइड नहीं करना, सिर्फ हमें इतना पता चल गया कि अल्किन का है। ये 5.5 वाला पिक भी किसका है भैया, अल्किन का है। 5.5 वाला पिक भी अल्किन का है। चलो तो अल्किन के दोनों पिक तो हमें मिल गए, बाकी के पिक जो बचे ना उससे हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं। यहां हमें दिया हुआ है 4.2, क्या दिया हुआ है 4.2, तो 4.2 किसका आता है, 4.2 2H क्वार्टेट। तो पहले तो 2H क्वार्टेट हो तो CH2 CH3 होता है ना, उसका फ्रेगमेंट क्या होता है, CH2 CH3 होता है। आई बात समझ में? अब उसमें देखो तो आपके स्ट्रक्चर में क्या ऐसा फ्रेगमेंट है CH2 CH3 वाला, यस इधर रहा CH2 CH3, इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी, ए बी और सी तीनों में ऐसा स्ट्रक्चर है, तीनों में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है भैया। तो अब क्या करना है, अब करना क्या है, देखो CH2 CH3 इसका फ्रेगमेंट 2H क्वार्टेट तो मिल गया हमें कि ये फ्रेगमेंट तो चलो डन है हमारे लिए, लेकिन उसकी डेल्टा PPM के हिसाब से जाना होगा, तो उसकी डेल्टा PPM हमें 4.2 दी हुई है। कितनी है भैया, 4.2। तो 4.2 हमने, मैंने कहा था आपको NMR के लेक्चर में जब डेल्टा PPM लिखवाई थी ना, तब कहा था कि यदि CH2 या CH3 हो, यदि उसकी डेल्टा PPM 3.8 से लेकर 4.4 तक आती है, कितनी भाई, 3.8 से लेकर 4.4 के बीच में यदि उसकी डेल्टा PPM आती है तो वो डेफिनेटली 110% वो आपका प्रोटॉन ऑक्सीजन के बगल में होगा, कार्बन आयन के बगल में नहीं, किसके, ऑक्सीजन के बगल में होगा वो प्रोटॉन, तभी उसकी डेल्टा PPM कितनी आएगी भाई, 4.2 या तो 3.8 से लेके 4.4 तक। तो यहाँ CH2 है ना जो भैया, CH2 उसकी डेल्टा PPM, ये दोनों प्रोटॉन की डेल्टा PPM हमें दी हुई है, ये कितनी है 4.2। तो ये 4.2 है, इसका मतलब साफ साफ है कि हमारा CH2 CH3 किसके साथ जुड़ा होगा, CH2 CH3 डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। तो क्या यहाँ तो कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ CH2 CH3 का फ्रेगमेंट किसके साथ है, कार्बोनाइल के साथ, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये तो अल्किन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं आएगा, बचा ये एक ही अकेला बचा, देखो यहाँ ऐसा, चलो ऐसा आएगा यहाँ पे जो CH2 है ना, चलो ये इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे CH3, तो CH2 ये 2H क्वार्टेट का है सिग्नल, ये 2H क्वार्टेट हो गया ना क्वार्टेट, अरे इतनी बात तो समझ आती है ना आपको, 2H ये दोनों प्रोटॉन का स्प्लिटिंग, उसके पास में रहने वाले, उसके पास में कौन है भैया, मिथाइल, तो मिथाइल उसका स्प्लिटिंग करेगा, मिथाइल पे तीन प्रोटॉन है तो तीनों के तीनों प्रोटॉन CH2 का स्प्लिटिंग करेंगे, तीन प्रोटॉन मिलकर स्प्लिटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया क्वार्टेट में स्प्लिटिंग हो गया। तो CH2 CH3 का कंफर्म हमें मिल गया कि ऑक्सीजन के 4.2 है, इसीलिए हमने पता लगाया कि ये ऑक्सीजन के पास है, किसके पास भैया, ऑक्सीजन के पास, तो हमारा आंसर बी आ गया। आइए दूसरे सेट करते हैं, क्या होता है कि नहीं होता, चलो अब इसको मैं जाने दूँ, दूसरे को सभी को जाने देता हूँ, बी को हम सिर्फ सेट करते हैं, हम बी को ही सेट करते हैं। ऐसा था ना हमारा स्ट्रक्चर, चलो ऐसा था हमारा बी ऑप्शन। अब हम सेट करते हैं सभी पैरामीटर्स, यहां आपको दिखाई दे रहा है यहाँ CH2 CH3, तो ये मैंने सिग्नल ए बी यहां पे नहीं है, यहां पे दो प्रोटॉन है ना, और यहाँ पे एक प्रोटॉन, इसको HC कह दिया, इसको HD और इसको HE कह दिया, तो B आया, कौन सा है भाई B पे, तो कि दो प्रोटॉन है और ये दो प्रोटॉन का स्प्लिटिंग कौन करेंगे, तो कि A पे जो मिथाइल है ना, यहाँ पे CH3 है, ये तीनों प्रोटॉन ये B का स्प्लिटिंग करेंगे, तो क्वार्टेट में करेंगे, ऑक्सीजन के पास है इसलिए कितनी आएगी 4.2 आएगी, ये एक सिग्नल हमें मिल गया। चलो दूसरी बात करते हैं, 2 जिसकी डेल्टा PPM 2.0 है, 3H सिंगलेट दिया हुआ है, क्या है
3H सिंगलेट और उसकी डेल्टा पीपीएम 2.0 है। तो क्या ये हो सकता है? 3H है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है और यहाँ पे मिथाइल है, ये भी हो सकता है। दोनों में कौन सी प्रोबेबिलिटी सही है? ये मिथाइल या आएगा, यह मिथाइल की ही सिग्नल है। देखो ये मिथाइल 3H है, लिख दिया मैंने, इसके पास में प्रोटॉन है नहीं है, इसका मतलब ये तीनों प्रोटॉन का स्प्लिटिंग कोई नहीं करेगा, तो यहाँ पे सिंगलेट लिखना होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये तीन प्रोटॉन है ना, तीन प्रोटॉन, उसका स्प्लिटिंग B वाले प्रोटॉन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, वही उसके बगल में है, तो B पे दो प्रोटॉन है, तो दोनों ने मिल के ये तीन मिथाइल के तीन प्रोटॉन का स्प्लिटिंग कर दिया। स्प्लिटिंग करेंगे तो किस में करेंगे भैया? तो भाई ट्रिपलेट में करेंगे। किस में करेंगे? ट्रिपलेट में करेंगे। आइए देखते हैं क्या ऐसे फ्रेगमेंट्स है हमारे पास। हे देखो 3H सिंगलेट, इधर रहा 3H सिंगलेट, इसकी डेल्टा पीपीएम 2.0 है। 3H ट्रिपलेट, इसकी डेल्टा पीपीएम कितनी है भैया? 1.1 है। इसकी डेल्टा पीपीएम भी 1.1 मिल गई, ये बी का सिग्नल मिल गया, बाकी बचे एच सी और एच डी। अब उसमें हम सेट करते हैं, कैसे सेट करेंगे? देखो आप जानते हैं ना, जैसे जैसे विड्रॉइंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण आपकी डेल्टा पीपीएम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो देखो यहाँ देखो, ये कार्बोनाइल है ना भैया, कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल की क्या होती है, कौन सी इफेक्ट होती है? विड्रॉइंग इफेक्ट होती है। और ये डबल बॉन्ड आप जानते हैं रिजिड होता है, वो रोटेशन नहीं करता, इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाइड्रोजन आया वो लेफ्ट हैंड साइड वाले एनवायरनमेंट में है, राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन राइट हैंड साइड के एनवायरनमेंट में है। इसका मतलब मैं यहाँ एक बात कह सकता हूँ, कौन सी वाली, कि भैया एच सी पे विड्रॉइंग इफेक्ट लग रही है और यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं लग रही है, क्योंकि HC कार्बोनाइल के एनवायरनमेंट में है। यदि कार्बोनाइल के एनवायरनमेंट में है तो उस पर विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगी, विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण उसकी डेल्टा पीपीएम 6.2 हो जाती है। कितनी भाई? 6.2। यहाँ मिथाइल की रिलीजिंग इफेक्ट लगेगी HD पे, तो उसकी डेल्टा पीपीएम 5.5 हो जाती है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया बी। हमारा फाइनल आंसर कौन सा आया भैया? बी। फिर भी एक बात देख लेते हैं, चलो हमारा फाइनल आंसर तो आपको पता चल गया बी कैसे आया। तो पहला काम क्या किया, तो IR से हमने ऑप्शन डी को निकाल दिया, IR में ऑप्शन डी को निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि वहां कीटोन था, वो भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, उसकी IR फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए? 1700 से कम, यहाँ 1720 दी हुई, उसका मतलब डी निकल गया। फिर हमने ये दोनों फ्रेगमेंट को चूज किया, ये दो फ्रेगमेंट 4.2 क्या है, 2H क्वार्टेट, 2H क्वार्टेट, इसका मतलब CH2CH3 है। कौन सा है भैया? CH2CH3 है, CH2CH3। तो ये CH2 जो है ना, उसकी डेल्टा पीपीएम 4.2 है, इसका साफ साफ आपको पता चलना चाहिए कि 4.2 कब आएगी, जब ये आपका CH2 किसके साथ जुड़ा होगा? ऑक्सीजन के। जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा ना, तब 3.8 से लेके 4.4 के बीच में आ सकती है। तो आपकी डेल्टा पीपीएम यहाँ पे 4.2 है, इसका मतलब ये CH2CH3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन था, बी आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका नेट का दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, 4 मार्क्स में पूछा गया था। और एक बात बता दूँ, ये दिसंबर में 12 और 14 मार्क्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा गया था, दिसंबर 2018 में 14 मार्क का क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से IR और NMR से पूछे गए थे, 14 मार्क्स के। आराम से आप निकाल सकते, आराम से 40 ले सकते हो आप। चलो ये पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, देखो ये दूसरा क्वेश्चन, चलो सॉल्व कीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, किसका भाई? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का है स्पेशली, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब तो आपको पता आना चाहिए, क्योंकि अभी ये पहला क्वेश्चन जब हमने सोल्व किया ना, उससे आगे मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया आपको, रेजोनेंस वाला। वो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए हैं ना, तब ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। रेजोनेंस वाला ही आपको, देखो एस्टर ही है, सभी के सभी आपको साइक्लिक एस्टर दिए हुए है। आंसर टिक करो, चलो कॉमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, अभी आंसर डाल दीजिए। चलो अब हम सोल्व करते हैं, इसको यहाँ पे मैं जाने देता हूँ। चलो ना, पहले तो मैं आपको समझा दूँ,
पहले एक बात तो आप जानते हैं ना कि यदि रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज भी होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी होता है। तो किस में कैसा रेजोनेंस पॉसिबल है वो बात कर लेते हैं। इसमें ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये बॉन्ड ओपन होकर किधर ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें भैया जानते हैं ना, ये बॉन्ड बाहर की तरफ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन की लोन पेयर उसे पुश करेगी। ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट कर दी ना, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा, तो ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा है लोन पेयर लेके, वो ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, लोन पेयर अपनी लोन पेयर डोनेट कर देगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पहले तो दो था, अब लोन पेयर ने डोनेट कर दिया तो मैं लिखता हूँ बॉन्ड ऑर्डर 2.2 हो गया। समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2.2 हो गया, फिर से समझा दूँ। यहाँ पे बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीजिंग इफेक्ट लगाएगा। ये बॉन्ड बाहर की तरफ जाता क्यों है भैया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की लोन पेयर उसे पुश करेगी, बाहर को जाने के लिए मजबूर कर देगी। तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की, ये बॉन्ड रेजोनेंस करेगा बाहर की तरफ रेजोनेंस कर दिया। जैसे ही ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसके बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहाँ पे जो कार्बन है कार्बोनाइल वाला कार्बन ये डेफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट। जैसे ही वो डेफिशिएंट हो जाएगा ना क्या होगा, ऑक्सीजन बैठा है लोन पेयर लेके इलेक्ट्रॉनिकली रिच, ये अपनी लोन पेयर डोनेट कर देगा रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस में डोनेट कर देगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.2 हो जाएगा। दो बॉन्ड ऑर्डर दो से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब साफ साफ है, जो बॉन्ड ऑर्डर दो से इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, वेव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है, वेव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, कितना होगा 1.5, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, कार्बोनाइल का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो वेव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसमें भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.7 आएगा। अभी मैं ए और सी को समझाता हूँ क्या क्यों ऐसा हुआ। अब एक बात दिमाग में समझ लो कि बी सबसे आगे आएगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो उसकी वेव फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, तो बी सबसे हाईएस्ट वेव फ्रीक्वेंसी बी की होनी चाहिए। तो यहाँ तो सी की है ये ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे ए की है ये भी नहीं आएगा। ए और सी, वन नंबर और थ्री नंबर, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। आइए यहाँ पे भी बी की सबसे हाईएस्ट है, बी की सबसे हाईएस्ट है। अब बात करनी है ए की ज़्यादा आएगी या सी की ज़्यादा आएगी, उसके लिए हम जाते हैं कॉन्सेप्ट में। चलो ए वाला इधर सी इधर, चलो मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करता के समझाता हूँ कैसा किसकी वेव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। समझना ध्यान से भैया, रेजोनेंस होने के लिए आप जानते हैं ना, अरे आप जानते हैं रेजोनेंस होने के लिए रिलीजिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस यदि करवाना है तो रिलीजिंग इफेक्ट जरूरी है। अब देखो इधर देखो, यहां पे क्या है, मिथाइल है ना, तो इसकी रिलीजिंग इफेक्ट ऐसे होगी, अरे हाँ कि ना, ये मिथाइल अपनी रिलीजिंग इफेक्ट डोनेट करेगा, रिलीजिंग इफेक्ट देगा, तो ये बॉन्ड है ना वो फास्ट रेजोनेंस करेगा। समझना, वो बॉन्ड फास्ट रेजोनेंस करेगा, फास्ट रेजोनेंस करेगा। इसका मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे दो बॉन्ड है ना, उसमें से जो ये सिंगल बॉन्ड है वो ओपन होके कार्बन पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझना, ये जो बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है उसका रेट, रेजोनेंस करने का रेट कौन सा है भैया, तो कि भाई फास्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ रिलीजिंग इफेक्ट, पीछे से ये लोग इसको धक्का दे रहे हैं, ये बॉन्ड को धक्का दे रहे हैं रेजोनेंस करने के लिए, तो ये रेजोनेंस फास्ट करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर फास्ट डिक्रीज होगा। यदि बॉन्ड ऑर्डर फास्ट डिक्रीज होता है तो वेव फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें भी यहाँ पे CH2 है ना,
तो CH2 की क्या होती है भैया, रिलीजिंग इफेक्ट होती है। क्या होती है? CH2 की रिलीजिंग इफेक्ट होती है। तो ये बॉन्ड रेजोनेंस करना चाहता है, समझना, ये बॉन्ड रेजोनेंस करना चाहता है, अंदर की तरफ आना चाहता है, लेकिन यहाँ बाहर वाले परिबल जो इसको नड़ रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ये बॉन्ड को बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं। ये CH2 की रिलीजिंग इफेक्ट है ना, धक्का दे रहे हैं, ये डबल बॉन्ड को रेजोनेंस नहीं करने दे रहे आसानी से। इसका मतलब रेजोनेंस होगा तो होगा, लेकिन आसानी से नहीं होगा, ये रेजोनेंस का रेट कम हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ CH2 की रिलीजिंग इफेक्ट ये बॉन्ड को बाहर की ओर धक्का दे रही है, और बॉन्ड को आना है अंदर की तरफ, तो क्या होगा, रेजोनेंस का रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब जो रेजोनेंस हो रहा है उसका रेट कौन सा है, उसकी स्पीड बहुत कम है। तो यहाँ हमने फास्ट लिखा, तो यहाँ पे स्लो रेजोनेंस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस की स्पीड कौन सी है भैया? स्लो। यहाँ पे रेजोनेंस की स्पीड कौन सी है? फास्ट। यदि रेजोनेंस की स्पीड फास्ट है तो उसका मतलब क्या है? रेजोनेंस की स्पीड फास्ट है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज फास्ट, बॉन्ड ऑर्डर फटाफट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसकी वेव फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, वेव फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे रेजोनेंस स्लो हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा लेकिन वेरी स्लो, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है लेकिन स्लो। तो यो स्लो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो वेव फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज तो होनी ही होनी है, लेकिन ये वेव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी उस वो भी स्लो होगी, ये वेव फ्रीक्वेंसी फास्ट। ये सिर्फ समझाने के लिए फास्ट स्लो समझा रहा हूँ। अब आप समझ गए हैं ना, यहाँ पे फास्ट रेजोनेंस हो रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया भाई? 5। पहले तो कितना था? 2। यहाँ पे रेजोनेंस स्लो हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 जितना डिक्रीज नहीं होगा, कितना होगा? 1.7। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आया? तो कि भाई 1.7 बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इसकी वेव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। तो ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा सी। तो वेव फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें, किसकी भाई वेव फ्रीक्वेंसी किस किसकी ज़्यादा है? तो कि भाई सी की ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन है ऐसा ऑप्शन, इधर रहा इधर रहा, सबसे ज़्यादा तो बी की ही आएगी। ए और सी में देखना है, ए और सी में देखना है, तो ये बॉन्ड रेजोनेंस फास्ट करेगा, तो ये फास्ट रेजोनेंस करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा डिक्रीज होगा, यहाँ रेजोनेंस स्लो हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम डिक्रीज होगा। तो आपका सही आंसर है सी, आपका सही आंसर है सी। तो ऐसे ही सारे टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जो भी लेक्चर आएंगे ना आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।